हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आलू का बेफोर की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप कभी भी किटी पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे हो या शाम के स्नैक्स टाइम में चाय के साथ खाइए, बहुत मज़ेदार लगता है। और घर में हम हाइजेनिक बेफोर्स बना के बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी लास्ट तक देखिए और अपने घर में बनाइए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। वेफर बनाने के लिए हमने मीडियम साइज के 4 आलू लिए हैं। आलू मीडियम साइज का हो तो इसका वेफर अच्छे से बनता है। अब हम एक पीलर की मदद से इसे पील करेंगे। तो आपके पास जिस तरह का पीलर हो उससे पील कर लीजिए, ये बहुत आसानी से हो जाता है। हमने आलू को अच्छे से छिलका हटा लिया है। अब हम इस आलू को एक बॉल में पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आलू काले पड़ने लगते हैं, फिर वेफर अपना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम आलू छीलेंगे और फटाक से एक बॉल में पानी लेके डाल देंगे। तो चलिए हम बाकी का भी आलू छील के पानी में डाल लेते हैं। हमने सभी आलू के छिलके हटा के पानी वाले बॉल में डाल रखा है। अब हम एक दूसरा बॉल लेंगे और उसमें भी पानी भर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने आधा पानी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक चिप्स कटर लेंगे, यानी कि वेफर कटर। वेफर कटर मार्केट में अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, आपके पास जो भी है वो ले लीजिए। जिसे प्रैक्टिस है वो तो चाकू से भी काट लेता है, पर इससे ईजी बनता है। तो अब हम एक आलू लेंगे और ऐसे इसे चिप्स काटेंगे। तो आराम आराम से हम ऐसे चिप्स को पानी में काटते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना पतला पतला अपना वेफर्स कट रहा है, यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। हम नीचे उंगली डाल रहे हैं तो आपको दिखता होगा। बस हम ऐसे ही सभी वेफर्स को पानी में काट लेंगे। आपको प्रैक्टिस नहीं है तो सावधानी से काटिए, क्योंकि वेफर कटर्स बहुत शार्प होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए हम सभी पोटैटोस को काट लेते हैं। हमने सभी पोटैटोस काट लिए हैं, आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। एकदम पतली पतली स्लाइस में काटा है हमने। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक पानी में ही छोड़ देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। फिर हम इसे छान के दिखाएंगे आपको। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू से अपना स्टार्च निकल चुका है। अब हमने क्या किया है, एक प्लेट पे ऐसे कॉटन क्लॉथ रख लिया है और इस पे हम वेफर्स को ऐसे छान छान के निकाल देंगे। ऐसे फैलाते हुए हमें निकालना है। ऐसे हम थोड़ा सा वेफर लेंगे और कपड़े पे ऐसे फैला देंगे। आपके पास कोई भी कॉटन कपड़ा हो तो उस पे फैला दीजिए। अब हम इसे 10 मिनट तक पंखा में सूखने के लिए रख देंगे। हमने वेफर्स को पंखे के नीचे सुखा लिया है, आपको दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल फरारा हो चुका है, बिल्कुल पानी नहीं है। आपको जल्दी है तो कपड़े को ऐसे लीजिए और ऐसे प्रेस करते हुए सुखा लीजिए। पर हमने इसे 10 मिनट टाइम दिया पंखे के नीचे, अच्छे से सूख चुका है। अब चलिए हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। एक वेफर्स डाल के हम आपको दिखाते हैं तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अपनी तेल से अच्छी सी बबल्स आ रही है, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसी में बाकी के वेफर्स डाल देंगे। एक बार में जितना आ सकेगा हम उतना वेफर्स डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। ध्यान रहे हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकना है, न तेज पे सेकेंगे न कम पे। और इसे हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक सेकेंगे।
आप देख सकते हैं हमने वे फर्श को दोनों साइड से चलाते हुए फ्राई किया है। एकदम ये बिल्कुल पतला सा हो गया है और फ्राई भी हो गया है। तो अब हम इसे चम्मच की मदद से टेढ़ा करते हुए ऐसे निकाल लेंगे। कितनी बढ़िया अपनी वेफर्स तैयार हुई है। एक्स्ट्रा तेल हम गिरा देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में बाकी के वेफर्स फ्राई करेंगे। एक साथ में हम थोड़ा थोड़ा वेफर्स डालते जाएंगे और चलाते हुए फ्राई करेंगे। ध्यान रहे फ्लेम अपना मीडियम रखना है, क्योंकि कच्चा वेफर्स पड़ता है तो तेल ठंडा हो जाता है। फिर हम इसे उलट पलट के सेक लेंगे। सारे ब्रेकफर्श को ऐसे ही फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी कड़ाड़ी ब्रेकफर्श तैयार हुई है। और बनाना कितना आसान है वो भी आपने देख लिया। हमने सभी वेफर्स तैयार कर लिया। अब चलिए हम इसमें थोड़ा सा मसाला मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसे दूसरे बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा तेल जो है वो पहले वाले बॉल में थोड़ा सा निकला रहता है। अब ये अपना फ्रेश वेफर्स तैयार हुआ। इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि वेफर्स में हल्का नमक ही अच्छा लगता है। आप ज़्यादा डालने की कोशिश मत कीजिएगा। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, जिसे हमने कूट लिया है। और थोड़ा चटपटा लगे इसके लिए हम डालेंगे लाल मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। और हम इस बॉल को ऐसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, आवाज सुन लीजिए कितनी कड़ाड़ी अपनी घर की बनी वेफर तैयार हुई है। हमें मसाला को मिक्स कर लेना है। आप सुन सकते हैं कितनी बढ़िया आवाज आ रही है। एक वेफर्स मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसे हम अगर मसलते हैं तो चूरा चूरा हो जा रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी तैयार हुआ है। आलू का वेफर्स बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। तो इसे आप भी ज़रूर अपने किचन में बनाइए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। हाँ, बेल जरूर दबाइए, जिससे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।